हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम नुपुर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मसूर दाल से फेस पैक के बारे में, जो आपके पिगमेंटेशन और जो आपके डार्क स्पॉट्स होंगे आपके फेस पे, उसको भी रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल करेगा। और अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो विद इन 7 डेज आप इसमें डिफरेंस पाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पर मैंने मसूर दाल को लिया है, 1 कटोरी करीब मैंने मसूर दाल ली है। इसमें उसको मैंने रात भर भिगो के रखा है। मैंने इसको नॉर्मल पानी में भिगो के रखा है, आप चाहें तो इसे गुलाब जल में भी भिगो सकते हैं। तो अब हम इसको बनाएंगे पेस्ट। इसका हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, क्रीमी स्मूथ पेस्ट। तो अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। तो जो मैंने इसमें पानी डाला था, जिस पानी में मैंने इसको भिगो के रखा था, उसी पानी के साथ मैं दाल को ग्राइंड कर दूंगी। तो ये देखिए, अब हमारा स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब इससे हम करेंगे 3-स्टेप फेशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेशियल को। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लिनजिंग। इसके लिए आपको लेना है 1 टेबल स्पून मसूर दाल पेस्ट, और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून करीब दही। दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत अच्छी क्लिनजिंग तैयार हो गई है। इसे अच्छे से फेस पर अप्लाई करेंगे। इससे आप चाहे तो डेली क्लीन कर सकते हैं। इसके यूज़ से आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ बन जाएगी और एकदम क्लीन भी हो जाएगी। नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको वाइप से क्लीन करके दिखा रही हूँ, पर आपको नॉर्मल पानी से वॉश करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे स्क्रब। तो स्क्रब बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून करीब मसूर की दाल का पेस्ट। देन मैंने इसमें ऐड किया है राइस फ्लावर, और इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी यूज़ की है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर यह पेस्ट आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें मसूर की दाल का जो पेस्ट आपने बनाया था उसको आप और ऐड कर सकते हैं, या तो चाहे आप इसमें गुलाब जल थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं एक पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि हमें इसे स्क्रब की तरह यूज़ करना है, तो बहुत पतला पेस्ट हमें नहीं बनाना है। इसे 3 मिनट तक स्क्रब करना है। इसको आप मसाज करते हुए अपने फेस पे स्क्रब करेंगे। जो राइस फ्लावर है वो स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है और ब्लैक हेड्स को भी दूर करता है। ये फेशियल ऑल इन वन है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो स्क्रब करने के बाद इसे नॉर्मल पानी से हम वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद आपको अपना फेस काफ़ी क्लीन दिखेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने 3rd स्टेप की ओर। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून करीब मसूर दाल का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून करीब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ये फेस पैक बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो इस पूरे फेशियल जो प्रोसेस मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, इसको आप 15 दिन ट्राई करेंगे ना, आपकी जो पिगमेंटेशन है उसमें काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को आप डेली यूज़ करें, इससे आपकी स्किन में जो भी चेंजेस आएंगे आप खुद देख पाएंगे। स्किन में ग्लो तो आएगा ही आएगा, साथ ही जितने भी निशान, दाग धब्बे या जो भी आपके फेस पर डर्ट और ओपन पोर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो सब दूर होंगे। कोशिश करिएगा कि ये प्रोसेस रात में करें, क्योंकि रात में सन एक्सपोजर नहीं होता है, प्लस उसमें डर्ट जाने के कोई चांसेस भी नहीं रहते हैं। आप अपना ये प्रोसेस करिए पूरा फेशियल का, उसके बाद आप सो जाएं। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो ये स्क्रब का पार्ट है उसे आप वीक में सिर्फ 3 बार ही करिएगा, बाकी सारा प्रोसेस आप रोज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रब को स्किप कर सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद जब आपका फेस पैक जो थोड़ा सूख जाएगा, तब आप इस पे पानी डाल के थोड़ा सा मसाज करते हुए इस नॉर्मल पानी से आप इसको वॉश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फेस कितना क्लीन दिख। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँगी वो सबसे पहले आपके पास आएंगे।